इंडस्ट्री रुकालने वाले नहीं चाहिए, हमें जनता रुकालने वाले नेता चाहिए। लारली 5 साल के मैंने आपके जगह विधायक कहीं काम करी, पिछले 20 सालों से गोयल साहब थे वो भी उनकी कुर्सी रुका रहा था, और ये आया गोयलो साहब आए ये भी अपनी कुर्सी रुका ले, जनता की रुका ली, कुछ नहीं करते। आपके गांव में विधेयक बढ़िया बाद में? हाँ कुछ देखा ही नहीं, उनका चेहरा ही नहीं देखा अभी तक। हाँ बुमड़े पंचायत से हम तो मतलब इनसे नाखुश है कि इनका काम काज हुए ही नहीं, इनके विकास के कार्य एक भी नहीं हुए, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, पानी की समस्या है, बहुत सी समस्या है, सड़क की समस्या है, इसलिए इनसे नाराज है जनता, और जनता आक्रोशित होकर बाप जी को आगे लाने चाहते हैं। बस बाप जी नहीं आने चाहते, जनता खुद लाने चाहते है कि इनको टिकट दिया जाए और इनको चुनाव लड़ाया जाए बाप जी, ताकि जनता का भला हो सके और विकास का काम हो सके। अगर वो मजबूत होते तो फिर ये जो कायस्थली कार्यकर्ता है उनके पाँव पकड़ते नहीं फिरते, आपने देखा होगा मेलों में फिर रहे हैं आप। हाँ। आप उन कार्यकर्ता के पास जा रहे हैं जिनको उन्होंने 5 साल में पूछा ही नहीं, अब उनको बता रहे हैं कि मैं आपके लिए अच्छा करूंगा, अरे आपने 5 साल में नहीं किया तो अब क्या करोगे? अब क्या, जब वोट का समय आता है उसमें तो मतलब जनता के पास आते दौड़ दौड़ कर, ठीक है ना, जब वास्तविकता में जनता के लिए कुछ करना होता है उसमें पता नहीं कहाँ गायब हो जाते, नदारद हो जाते हैं भाई। उन्होंने पिछला चुनाव मतलब हिंदुत्व के नाम पर लड़ा था, पर उन्होंने 5 साल में ये बता दिया कि हमें तो हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जैतान में जिन्होंने उन्होंने अपनी भूमिका ही नहीं निभाई है, जो लोग भूमिका निभा रहे थे जिन्होंने कुछ मतलब हिंदुत्व को बचाने के लिए कुछ किया उनका विरोध किया आपने खुद ने। विदाई जी के मुंह से ऐसे शब्द सुने हैं इन भगवा और हिंदुत्व के लिए कि हम खुद शर्मिंदा है कि हमने किसको चुन के भेज दिया विधानसभा में। केवल सस्ती लोकप्रियता काम कर रहे जनता कार्यकर्ता महाराज, और सस्ती लोकप्रियता के लिए कंधों पे बैठ जाते हैं और अपना वो कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कप्तान सिंह उदौत, पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत लोटोती है, मैं भी भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और था। मैं सबसे पहले ये निवेदन करना चाहता हूँ लखननाथ जी दूणे को प्रणाम, बाबा लक्ष्मणनाथ जी की मैदान में है, डटे रहेंगे और प्रजातंत्र में सबका हक है। किसी एक व्यक्ति जीतने के बाद में अगली बार और टिकट मांगने आ जाता है, 40 साल से लोग संघर्ष कर रहे हैं, टिकट मांग रहे हैं, उनको टिकट दिया नहीं तो अब की बार उसको गुस्सा है टिकट नहीं मिलने वालों को, तो वो अपना प्रयत्न तो करेंगे। बाकी हकीकत बात है बाबा लक्ष्मणनाथ जी हजारों वोटों से जीतेंगे और हम तन मन धन से साथ हैं, कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं, पार्टी हमारी जनता है, ये सब पार्टी है, पार्टी हमारी जनता है। क्या कहना? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह राठौड़ है, अमरपुरा से हूँ। अब वर्तमान विधायक महोदय को ये भी नहीं पता है कि अपने जैतान में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहली बात ये युवाओं को रोजगार दिलाने की गारंटी थी इनकी, 5 साल में इन्होंने आके देखा भी नहीं कैसे, बस ये खुद की जेब भरना चाहते हैं। और लक्ष्मणनाथ जी महाराज है ये केवल हिंदुत्व के ऊपर है, कोई बीजेपी कोई कांग्रेस से नहीं है, ठीक है। अब बीजेपी से विधायक महोदय ने जब राज प्रकरण हुआ उस टाइम मैं बाबूजी के साथ था, बाबूजी ने तन मन धन से उसका विरोध किया, लेकिन अविनाश गहलोत की एक फूटी राजनीति के कारण वहाँ जैतारण में जाके 2 भागों में बांट दिया गया। तो ये है ना विधायक अब ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, ये इनकी छुट्टी हो चुकी है। अब बाबा लक्ष्मणनाथ जी योगी आएगा, भगवा लहराएगा जैतारण के अंदर, 36 कौम जैतारण की जनता जो है वो अपना भाजपा का टिकट मिलते ही भाजपा के जो प्रत्याशी को टिकट दिया है उससे अपनी नाराजगी दर्ज कराने के लिए और अपना एक नया उम्मीदवार चुनने के लिए यहाँ लांबिया के अंदर एकत्रित हो गई है, और सभी लोग यहाँ पर अपने अपने जो भाव हैं वो रख रहे हैं। मैं आपको भजबे फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।